अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 6.1 को क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट मैंने सॉल्व किया है, तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 18 × x³ − 9x² + 8x। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और सेकंड एक्सप्रेशन है 24 × x² − 3x + 2। तो अब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, और उसके बाद यहां से हमने एचसीएफ फाइंड करना है, सॉल्यूशन। सो हियर इट इज, 18 × x³ − 9x² + 8x। जहां पे हमारे पास 18 के जो फैक्टर हैं, पहले हम वो बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में 18 के फैक्टर अगर बनाएं, 2 × 3, 2 × 3 = 6, और 6 × 3 = 18, और ये जो आपके पास तीन टर्म्स हैं 8x, 9x² और x³, जहां से अगर हम x को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x², क्योंकि x³ है, तो x ये कॉमन आ गया, x² हो जाएगा, −6 × 9x + 8, क्योंकि यहां से x में को मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 2 × 3 × 3x एज इट इज, x² − ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 8 के इक्वल आता हो, उनका प्रोडक्ट, और उन दोनों को सम करें या डिफरेंस निकालें तो वो −9 के इक्वल आते हो। −1 और −8 ऐसे दो नंबर हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये +8 के इक्वल आता है, क्योंकि माइनस है, −8 कोफिशियंट है इसका, और इसका −1 है, −9 × −+8 = 8 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो −1 और −8 − 9 आ जाता है। ठीक है जी, मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। दिस इज इक्वल टू 2 × 3 × 3x, उसी तरह इंटू यहां से x को कॉमन ले लें, x × x − 1 − 8 को यहां से कॉमन लिया, x − 1, इधर भी x − 1 आता है, इधर भी x − 1 आता है, सो 2 × 3 × 3x सेम इट इज। तो यहां से x − 8, ये x और ये −8, और x − 1 को भी आप लिखते हैं, ये जो x − 1 है इसको वन टाइम लिख दिया, 2 × 3 × 3x सेम इट इज, एंड x − 8 को लिखते हैं, और x − 1 ये फैक्टराइज होगा, मुझे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम जाते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ, विच इज 24 × x² − 3x + 2। अब 24 के भी यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं, लेकिन 24 के फैक्टर अगर बनाए तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ठीक है जी, ये हमने 2 × 2 के फैक्टर इसलिए बनाए कि ऊपर भी हमारे पास 2 × 3 की फॉर्म में बन रही थी, इसलिए हम, क्योंकि हम जब एलसीएफ फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे तो वहां पे हमारे लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे x² − 3x + 2 है, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसके साथ हम नहीं छेड़ते, तो हम डायरेक्ट ये सेम इट इज उसी तरह नीचे आएगा। यहां से हम फिर हम इसको करते हैं मिड टर्म ब्रेक, x² − ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो +2 के इक्वल आता है, और उनका डिफरेंस या सम करें तो वो −3 के इक्वल आते हैं, तो माइनस, ये इसका x का कोफिशियंट −1 है, और 2 का इस x का कोफिशियंट −2 है, तो दोनों कोफिशियंट को 2 × −1 − 3 आ जाता है, मिड टर्म ब्रेक हो जाती है यहां से। तो नेक्स्ट टर्म में ये सेम इट इज, यहां से x को कॉमन लें तो x × x − 1 − 2 को कॉमन लिया तो x − 1, तो ये सेम इट इज उसी तरह रहेगा, तो x − 2 और x − 1, ये x और ये −2 और x − 1 वन टाइम लिखते हैं, तो इसके बाद 2 × 2 × 2 × 3 सेम इट इज, और x − 2 और x − 1, ये भी मुझे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नाउ 18 × x³ − 9x² + 8x, फर्स्ट सिचुएशन जो हमारे पास था वो किसकी इक्वल आया था हमारे पास, ये ऊपर आप देख सकते हैं, 2 × 3 × 3x × x − 1 × x − 8 की इक्वल आया था, और सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा 24 × x² − 3x + 2, जो अभी मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया है, वो इक्वल आया था हमारे पास 2 × 2 × 3 × x − 1 × x − 2। अब नोट करें यहाँ पे, देखें इसमें भी 2 आता है कॉमन, और इसमें भी 2 आता है,
और इसमें भी 3 आता है और इसमें भी 3 आता है, ये जो बाकी 2 2 बच रहे हैं ये देखें, ये मतलब एक टाइम इधर है और एक टाइम इधर है, यहां से मैंने लिख लिया इसका पेयर बनाया और यहां से 3 भी आ रहा है, इसको आपने एक एक दफा लिखना है एचसीएफ में, 2 ये वाला मतलब एक पेयर बना तुम्हारे पास, एक वन टाइम 2 लिखा मैंने, एक पेयर ये बना और ये 3 मैंने लिखा, और देखें x माइनस 1 इधर भी आता है, x माइनस 1 इधर भी आता है, ये भी मैंने लिख दिया, x माइनस 8 दोनों में कॉमन नहीं आता, x माइनस 2 भी इसी तरह कॉमन नहीं आता, लिहाजा एचसीएफ जो हमारा होगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1, 2 3 जर 6 इंटू एक्स माइनस 1। ये थे इस क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो जो कि एचसीएफ क्वेश्चन का, तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा के लिए रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।